रुद्राक्ष, इसको खोलो। नमस्कार, न्यू लाइफ इन 9 मंथ्स। 9 महीने में कैसे पूरी लाइफ की पहले बहुत कंडीशन खराब थी और अब कैसे बहुत अच्छी हो गई, उसके लिए आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल के व्यक्ति आए हैं। ये कमाल के इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रॉपर जितना टाइम आयुर्वेद को हम बोलते हैं कि भाई 8 महीना 10 महीना, कभी कभी 1.5 साल का भी टाइम लगता है, इन्होंने 9 महीने प्रॉपर आयुर्वेद के जो जो रूल्स बोले वो फॉलो किए हैं। और इनका फीडबैक कैसा है चलिए हम देखते हैं, शायद इनको आप पहले वीडियो में देख भी चुके हैं। नमस्ते नरेश जी। नमस्कार सर। नमस्ते, आप पहले आ चुके हो ना वीडियो में? आ चुका हूँ मैं। सबसे पहले आप आए थे 10 जून 2023 को क्लिनिक में आए थे, ठीक। तो उसके बाद फिर अपन ने पंचकर्म किया था, वमन किया था, बस्ती किया था। और फिर आप घर पे भी दवा लेते रहे, है ना। अभी इस बार आप मुंबई में आए थे, तो क्यों आए थे, किस लिए आए आप? मेरा उस समय विरेचन नहीं हो पा रहा था, मैं कमजोर हो गया था, तो आपने बोला था अभी विरेचन करेंगे तो आपका थोड़ा कुछ हो जाएगा, आप थोड़ा दवा लेके जाओ, उसके बाद 8 महीने 9 महीने में कभी, आप तो बोले थे उधर नेपाल में भी कर सकते हो, लेकिन नेपाल में इतना ऐसा विधि नहीं है, इसके लिए मैं यहीं आ गया, अभी 9 महीने के बाद इधर आया हूँ। ठीक है, अभी आप 9 महीने बाद आए थे, आपका हमने फिर से इनका वमन किया, और ये वाला वमन बीमारी के लिए नहीं था, शरीर शुद्ध रहे आगे रोग हो ना उसके लिए। तो इनका हमने वमन किया, विरेचन किया और बस्ती की। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं कि 9 महीने पहले आपकी क्या कंडीशन थी और 9 महीने बाद क्या है। सबसे पहले आपकी तकलीफें थी जब आप आए थे, तो आपने बोला था नाभि के पास बहुत ज्यादा दर्द होता था। वो कैसा है? वो तो अभी गायब है, कुछ नहीं है, पूरा गायब है, 100 में से 1% है, दर्द है नहीं, तो दर्द नाम की कोई चीज नहीं। फिर आपने बोला था खाने के बाद आपको लैट्रिन जाने जैसा, मल त्याग के लिए जाना, ऐसा मोड़ जैसा रहता था पेट में, अभी नहीं है, तो वो 100 में से 100 अभी कुछ नहीं है। फिर आपने बोला था कि जो भी चीजें पचने में भारी होती है, दूध है, घी है, पनीर है, मटन है, चिकन है, ये सारे आइटम खाने से आपको बहुत तकलीफ होती थी, खा ही नहीं पाता था। क्या तकलीफ होता था? दर्द रहता था, अगर खा लिया तो दर्द हमेशा मुड़ जैसा दर्द रहेगा, वो लैट्रिन जाना पड़ेगा। खाने के तुरंत बाद होता था? तुरंत बाद या 2-4 घंटे? नहीं नहीं, तुरंत बाद दर्द चालू होता था, फिर लगते ही रहता था, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू होता था। दिन में कितनी बार जाना पड़ता था मटन लिया तो 2-4 बार खाना जाना पड़ता था। अच्छा, और घी पी लिया थोड़ा पी लिया तो 2-3 बार, नहीं तो ज्यादा पी लिया तो, और फिर बार बार जाना पड़ता। ठीक है, तो अभी कैसा है, आपने 9 महीनों में क्या क्या खाया है? मैं तो जब आपका मेडिसिन लेके गया तभी से सब कुछ खा रहा हूँ, अब फिर इधर आगे जो शोधन किया, वमन विरेचन बस्ती वो किया, उसके बाद तो अभी मैं मेडिसिन भी नहीं ले रहा हूँ, अभी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही खा रहा हूँ सब कुछ आराम से। अभी आप दूध खा पा रहे हो? पूरा मिठाई कितना खाया, मिठाई सब खा। और मैं गया था नरेश जी के यहाँ नेपाल में कुछ टाइम के लिए, तो अभी आपकी डाइट भी अच्छी हो गई है ना, पूरा पूरा प्रॉपर चावल और सब कुछ, सब कुछ, दही सब हजम होता है, चिकन मटन वो सब, कोई तकलीफ नहीं है, दर्द तो है नहीं। फिर आपने 9 महीने पहले बोला था जोड़ों में दर्द की तकलीफ, बहुत दर्द था, क्या होता था? पूरा जोड़ों दर्द कर, मैं चल नहीं पाता था, एक पैर आगे करता था तो दूसरा दर्द करता था, दूसरा करता था तो दूसरा। ये कब से चालू हुआ था? ये 3 साल करीब हो गया था, 3 साल। मैं बीमार तो 15-16 साल से बीमार हूँ, ये जो जब जोड़ों का दर्द हो गया, सबके पास गया, मेरा ऐसा दर्द चालू हो गया एलोपैथिक में, सबके पास गया, तो वो लोगों का दवा भी लेता था तो इतना कुछ नहीं होता था, इसके लिए मैं फिर आपको देखा, आपके पास आया, उसी समय गायब हो गया था ये जोड़ों का दर्द, कुछ नहीं। अभी 100 में से कितना% है जोड़ों का दर्द? नहीं अभी आए नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आप एक बार बेंगलोर भी गए थे, वहाँ पे कितने टाइम आप रहे थे और क्या खर्चा हुआ था? उधर का खर्चा तो पूछे ही मत, बहुत, 6 महीना था, 6 महीना तक उधर ही इलाज। बेंगलोर में कहाँ पे? बेंगलोर में CMC बेंगलोर में 6 महीने। आप 6 महीना वो हॉस्पिटल में थे? नहीं, बाहर रूम बाहर लिया था, पर ट्रीटमेंट वहाँ करा रहे थे। ठीक, तो वहाँ कितना खर्चा हुआ था आपका? उधर का तो 12-15 लाख रुपया हो गया था, 12-15 लाख इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज। और दिल्ली में भी गया था, दिल्ली में भी खर्चा हो गया, नेपाल का तो पूछे ही मत। दिल्ली में कहाँ गए थे आप? मैं ये जीवा में गया था। हाँ,
तो वहाँ पे कितने टाइम तक इलाज किया था आपने? नहीं, उधर तो ज़्यादा इलाज नहीं किया, उन्होंने दवा दे दिया और भेज दिया, उससे और मेरे को ज़्यादा तकलीफ हो गया। क्या तकलीफ? जलन की तकलीफ बढ़ गई थी। ठीक है, फिर आपने एक और चीज़ बोली थी, आपको ठंडी बहुत लगती थी। ठंडी बहुत, अभी तो जब से आपका दवा लिया है ना, तब से मेरे को सर्दी जुकाम आया ही नहीं है। सर्दी जुकाम नहीं है? और आपको ढकार बहुत ज्यादा आता था? ढकार तो अभी मालूम नहीं मेरे को है कि नहीं, ढकार ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पेट गुड़ गुड़ करता था, वो भी पूरा गायब। मल से दुर्गंध आती थी? नहीं, वो सब अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक। और रात के समय पे आपकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती थी? हाँ, बढ़ जाती थी, नींद नहीं आता था, हर घंटे दो घंटे में खुल जाता। अभी मैं 5-5.5 घंटा आराम से सो रहा हूँ। आराम से सो पा रहे? कोई तकलीफ नहीं। और जॉइंट की अभी आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप मस्त पहाड़ वहाड़ चढ़? हाँ, चढ़ लेता हूँ अभी तो, अभी काम करना है अभी जाके, तो इतना आपने करवा दिया। तो मैं नेपाल गया था, तो वहाँ पे नेपाल में पहाड़ है, तो वहाँ पे जो भी अप डाउन थे पहाड़ पे बैग लेके, वो सब नरेश जी बिंदास कर पा रहे थे। उसके शायद वीडियोस भी कुछ होंगे, हमने शूट किए होंगे, वो शेयर करेंगे। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे भांग का पेड़ देखने के लिए। भांग का पेड़ कैसे देखने? महीनों में आपकी जितनी भी तकलीफ थी उसमें से कोई तकलीफ बची है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है अभी इस समय तो। जो भी थोड़ा बहुत था मेडिसिन के थ्रू जाने का, वो भी गया, अभी तो मेडिसिन भी नहीं है। आप तो बोल रहे हैं मत लेके जाओ, फिर भी मैं दूर है इसके लिए, एक महीने का लेके जा रहा हूँ। तो इस बार वो आए थे लगभग एक महीने के लिए मुंबई में, और हमने उनका वमन किया। वमन के बाद उनको विरेचन किया। 28 जनवरी को आए थे आप? जी जी, 28 जनवरी से 8 मार्च, आज उनका रिटर्न टिकट है। आज 8 मार्च है, 8 मार्च और महाशिवरात्रि है आज, तो आज उनका रिटर्न टिकट है। तो ऐसे लगभग हम जून से, 10 जून से 8 मार्च गिने, तो ऑलमोस्ट 9 महीने होते हैं। और 9 महीनों में जितनी भी तकलीफ थी वो सब जड़ से निकल गई है, क्योंकि आपने प्रॉपर फॉलो किया। अभी तो काम करने का है जाके, अभी काम कर, अभी 15 साल से काम नहीं किया था मैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तकलीफ था शरीर में, कुछ खा नहीं पाता था, वो हॉस्पिटल दौड़ता था, हॉस्पिटल दौड़ता था। और नरेश जी की खास चीज़ ये है कि जब जब वो बस्ती और वमन के बाद जब बस्ती करते हैं, तो उनके फेस का ग्लो बढ़ जाता है। हाँ, है ना, आपका ग्लो अच्छा। नहीं, अभी तो ठीक, अभी कोई तकलीफ नहीं होता, मैं बहुत मुश्किल में था, बहुत तकलीफ था। यहाँ पे जब हमने लास्ट टाइम वीडियो शूट किया था, तब आप यहाँ से घर गए थे नेपाल में, तो वहाँ पे आप सब कुछ खा पा रहे थे? हाँ, सब कुछ खाया था मैं, खीर खाया, दही खाया, मटन खाया, सब कुछ खाया। ऐसा कोई वो मेडिसिन था, अभी तो उसकी भी जरूरत नहीं है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। एनर्जी लेवल कैसा है? एनर्जी बहुत है, नींद अभी अच्छे से आती है। मैं बोला ना 6 घंटा, तो मैं 5.5-6 घंटा तो आराम से सोता हूँ। भूख कैसी है? भूख तो अभी लग रहा है, अभी खाया अभी लग रहा है। 24 घंटे में अभी कितनी बार भूख लगती है? 3 बार तो मुझे, 3 बार प्रॉपर हजम होता है, हजम होता है। पेट में कुछ दर्द, मरोड़, गैस? कोई दर्द नहीं, पेट साफ होता है? साफ होता है, सुबह पैदा नहीं होता था, अभी दर्द वर्द कुछ होना कुछ नहीं होना? पेशाब, यूरिन? नहीं, वो तो कुछ, यूरिन भी नॉर्मल, बराबर। एसिडिटी जोड़ों में दर्द? कोई दर्द नहीं, सब फ्री, सब फ्री। तो ये है नरेश जी, इनका इनके साथ अच्छी बात ये है कि एक जो प्रॉपर, अगर किसी पेशेंट को हम बोलें कि ये करना पड़ेगा, तो वो सारे नियम फॉलो करते हैं। इसलिए 9 महीने में आप देखिए, इनकी जो भी तकलीफ थी सब ठीक हो गई। इस बार हमने इनका शोधन किया था, केवल वो यहाँ से, और जैसे आयुर्वेद में हर साल में एक बार शोधन के लिए बोला है, जैसे वसंत ऋतु आई तो वमन करो, बारिश आई तो बस्ती करो, अक्टूबर का जब शरद ऋतु आएगा तो विरेचन करो, रक्त मोक्षण करो, ताकि आपको बीमारियां बार बार ना आए और आपका शरीर हमेशा शुद्ध बना रहे। तो उसी चीज़ के लिए इस बार वो आए थे।
तो कैसा रहा, लास्ट सवाल, कैसा रहा आयुर्वेद का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। ये जो बीमार है ना, ये एलोपैथिक से तो होगा नहीं, आयुर्वेदिक से होगा, वो भी सब जगह नहीं होगा। ऐसा नहीं है? नहीं, आयुर्वेदिक को जिसको ज्ञान है, जो अच्छे से करते हैं, उसी में कीजिए, उन्हीं के पास जाके करेंगे तो अच्छा। जाके कीजिए तो अच्छा है। आप लोग तो इधर के हैं, आप लोगों को ज्यादा खर्चा भी नहीं, खर्चा भी कम है, इतना उधर जैसा खर्चा नहीं है। नेपाल में इंडियन पैसे ज्यादा थोड़ा महंगा पड़ता है। फिर हम लोग तो इधर क्या है, रहने का खाने का इससे भी थोड़ा खर्चा रहता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। क्लिनिक का ज्यादा खर्चा नहीं है, थोड़ा ही है। आप लोग बिंदास, इसके लिए थोड़ा समय की जरूरत है, समय आप लोग दे दीजिए। आपका जो भी तकलीफ है वो सर निकाल के फेंक देंगे। मैं 57 साल का हूँ। 57 साल के? हाँ। और इनके साथ एक और ख़ास बात थी कि जैसे मैं इनके यहाँ गया था दिसंबर, नवंबर दिसंबर के आसपास है ना, तो मेरे पैर में एक चांदी का मोटा सा कड़ा है, तो उस कड़े को बंजी जंपिंग करने के लिए उन्होंने बोला ये निकालना पड़ेगा। और वो निकालने के लिए वहाँ पे जितने भी बंजी जंपिंग में जो अच्छे खासे स्ट्रांग लोग थे, हाथ वा सब मोटे थे, वो सब ने कोशिश की, नहीं खुला। उसमें ये जो नरेश जी थे, दुबले पतले से, जो अपने बीमार यहाँ पर होकर आए थे, इन्होंने वो कड़ा जो चांदी का है, क्योंकि वो लगभग 150 ग्राम से ज़्यादा मोटा है, तो उसको खोल के खोल पाए थे आप, है ना? हाँ, खोल दिया था। इतना ज्यादा स्ट्रेंथ आपके शरीर में, अभी भी है, अभी ताकत वगैरह आ गया था। अभी नहीं, अभी। और जो भी अपन नेपाल में पहाड़ ये सब अप डाउन करना, नहीं आपके साथ अभी दो माला कुछ ज्यादा नहीं, नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं, मैं तो एक मिनट में आ जाता हूँ उधर से इधर। चलेगा। तो ये थे नरेश जी। आज इनकी फ्लाइट है जाने की, तो हमने बोला था कि क्योंकि ऐसे बहुत ही रेयर, ऑलमोस्ट 1% ही पेशेंट होंगे जो जिनके पास इतना संयम होता है और इतना प्रॉपर वो आयुर्वेद को टाइम दे पाते हैं। उन्होंने दिया और आपके सामने रिजल्ट है। हाँ, इसके लिए क्या मैंने कोई पैसे वैसे दिए? मैं इसके लिए दिया कि मैं सब जगह जाके थक गया था, बस अब मेरा इलाज कहीं नहीं है। आपको देखा, आपने जो उसमें वीडियो में बोला है वो अच्छा लगा, जो आप बोलते हैं ना आम, वही डॉक्टर जहाँ आया आम वहाँ हो गया जिंदगी तमाम, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं। आप बोल रहे हैं आम से इतना डरने की जरूरत नहीं है, आम उससे उसको थोड़ा उपास कर लो, वो शरीर सोच लेगा, उसमें बहुत फर्क है, वही देख के आया था मैं। और नरेश जी के फीडबैक वीडियो के कारण बहुत सारे लोग आए, जैसे श्रीवास जी आए थे, तो उनका हमने वमन किया और उनको भूख नहीं लग रही थी, 7 साल से उनकी भूख खुल गई। फिर एक आलेख करके पेशेंट जो आए थे, उनको 2 और आधा बाल्टी उल्टी हो गया। आपको देख के बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग का ट्रस्ट भी बढ़ा। आइए, पेट के लिए तो ये तो बहुत अच्छा इलाज है, इससे बढ़िया और जगह नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। और यहाँ पे तो जो राष्ट्रीय चैनल है ना, वो इंटरव्यू भी लेते हैं ऐसे डॉक्टर के, जहाँ आया आम वहाँ हो गया जिंदगी तमाम। कहाँ पे सुना है? हाँ, वही मैं सुना हूँ, भाभी होगा उनके पास भी। अच्छा, न्यूज चैनल में सुना जहाँ आया आम वहाँ हो गया जिंदगी तमाम। डॉक्टर वो बोलेगा तो पेशेंट क्या करेगा? डर जाते हैं। हम ही डर गए थे, अब मेरे को आम हो गया, मैं क्या करूँ, अब मेरा कोई इलाज नहीं होगा। फिर आपके पास आया तो सब कुछ निकल गया, सब कुछ ठीक हो गया, निकल गया, उन्होंने अच्छे से किया, वो अच्छी बात है, आपने फॉलो किए। आप लोग भी आइए यहाँ पे, इलाज कीजिए, थोड़ा समय दीजिए आयुर्वेदिक के लिए, समय दीजिए, अच्छा हो जाएंगे। तो पहला आपने वमन किया था, उस टाइम पे आपको पेट में दर्द वर्द, फिर भी आपने वमन अच्छे से किया था। इस बार तो आपने वमन विरेचन सब किया, तो ऑलमोस्ट सब अभी तो कोई यार इतना अच्छे से गया कि पीछे मत, इतना निकला, इतना दोष जमा हुआ था, इतना दोष तो मालूम ही नहीं पड़ता था ये कहाँ है, इतना निकला, वमन से भी निकला, विरेचन से तो मेरा कितना, एक दिन भर, एक रात भर, दूसरे दिन 2:30 बजे तक 30-40 बार से वो निकलने के बाद फिर बस आराम, अभी कोई दर्द कुछ नहीं है, आराम है। चलेगा। तो ये है नरेश जी, और इन्होंने 9 महीने में न्यू लाइफ, जैसे हम बोल सकते हैं आयुर्वेद से, वो एक्सपीरियंस किया है। चलेगा, धन्यवाद नरेश जी। नमस्कार, आइए अपना इलाज कीजिए, आप लोग, आप तो नजीक के हैं, हम दूर से तो आ रहे हैं, दूर से तो आ रहे, आप लोग भी आइए, मजे से काम कर पाएंगे आप, 60-70 साल तक आप काम कर पाएंगे अगर ये इलाज करेंगे तो। ठीक।